वेलकम टू वाले ऑप्शन। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्वांटम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रिव्यू के बारे में। तो यार चार वीक पहले मैं देहरादून गया था, बहुत अच्छी जगह है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। तो मुझे वहाँ पे कुछ क्वांटम यूनिवर्सिटी के बच्चे मिले थे, ग्रुप मिला था बेसिकली। तो मैंने उनको अपनी स्टूडेंट रिव्यू की वीडियो दिखाई और उनको बोला यार एक वीडियो शूट कर लो मेरे साथ। तो उसमें कुछ बच्चे मान गए, एक बीटेक सीएससी का स्टूडेंट माना था और तीन बीएससी के स्टूडेंट माने थे। तो हम लोग रूम पे गए, हमने वीडियो वगैरह शूट की, काफ़ी अच्छे से वीडियो शूट हो गई। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई थी, उसको एडिट करके मैं छोटी करनी पड़ी, 25 मिनट के आसपास बनाई छोटी करके, वरना ऐसे 35-40 मिनट की थी। तो क्योंकि बीच बीच में दोस्त थे, हंस रहे थे वो सब, तो वो काफ़ी लंबा वीडियो शूट हो गया। मगर वीडियो अच्छी बनी है। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बदल जाएगी कि कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, प्लेसमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्पोर्ट्स के मामले में कैसा है, मैथ्स के बारे में कैसा है। तो जो बच्चा कंसिडर कर रहा है क्वांटम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो वीडियो देख सकता है जाने से पहले, उनको आइडिया लग जाएगा क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में। और साथ ही साथ यार इस पूरे मतलब वीडियो की बात की तो मैं 3 वीक पहले डालता, मगर क्या था कि VIT और कॉमेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई और आपको पता है मेरा पेड काउंसलिंग का चलता, तो उसमें तो अब बिजी हो गया था, इसलिए 3 वीक पहले वीडियो आ नहीं पाई। कोशिश करूँगा एक कैंपस टूर की वीडियो भी आ जाए। मैंने बोला था इनको कैंपस टूर की, इन्होंने वीडियो भेजी है, अब उसको मैं चेक करना होगा कैसी बनी है। अगर उन्होंने वीडियो अगर अच्छी भेजी होगी तो वो भी कोशिश करूँगा कैंपस टूर की वीडियो मैं बना दूँ, कैसे भी करके डाल दूँगा। ठीक है, टूर की वीडियो उन्होंने सेंड कर दी है जो CAC वाले स्टूडेंट था, तो मैं कोशिश करूँगा वो भी अपलोड करने का जब टाइम मिलता है, उसको देख के एडिट करना पड़ेगा। करते हैं, तो 2-2.5 साल पहले विशाल भाई ने एक वीडियो बनाई थी क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में। तो उस समय थोड़ी नेगेटिव बातें चल रही थी क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में, तो हमने वीडियो में साफ साफ बताया था और उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसको देखना होगा जाके देख सकता है। मगर पिछले 1 साल से कुछ कमेंट आ रहे थे, बच्चे कह रहे थे कि अच्छा है, कॉलेज प्लेसमेंट अच्छी गई है इस बार। और हमने वेबसाइट पे चेक किया था, लास्ट ईयर भी वेबसाइट पे प्लेसमेंट मतलब पहले के मुकाबले इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, और स्टूडेंट भी बोल रहे थे कि ठीक है प्लेसमेंट के मामले में इंक्रीज़ किया कॉलेज। तो ओवरऑल ये बात है, अब देखते हैं पूरी वीडियो के बारे में जानते हैं। इस वीडियो में आपको सारे अपने डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को देखते रहना और लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि कौन सी वीडियो आपको चाहिए अगली स्टूडेंट रिव्यू पे। मैं कोशिश करूँगा स्टूडेंट के साथ वीडियो बनाने का। तो यार अपना पहले इंट्रोडक्शन दे दो सब लोग, ठीक है, क्वांटम यूनिवर्सिटी के सब लोग हैं, तो अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दो, कोर्स बता देना और ईयर बता देना कौन सी ईयर से। मेरा नाम जनजय है। मैं क्वांटम सिटी का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, जैसे अभी 4th ईयर में गया हूँ। मेरा कोर्स बीटेक सीएससी है। माय नेम इज कुमार कुमार, आई एम स्टडी इन बीएससी एग्रीकल्चर इन 4th ईयर। आई एम प्रकृति फ्रॉम बीएससी एग्रीकल्चर 4th ईयर। आई एम तनुश्री फ्रॉम क्वांटम यूनिवर्सिटी, आई एम 4th ईयर स्टूडेंट। तो मोस्टली बीएससी वाले ये सब, एक बीटेक का है, ठीक है, तो सर मोस्टली बच्चे हमारे बीटेक की देखते हैं। क्वांटम फेमस मेन बीटेक के लिए है और उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए आता है। इधर मतलब मैंने रुड़की साइड देखा है, देहरादून के साइड पे, कि एग्रीकल्चर के काफ़ी चलता है क्वांटम के अंदर, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो यार कॉलेज के बारे में बात करते हैं, तो पहले सबसे पहले कोई भी बच्चे कॉलेज में आता है तो माइंड में होता है फैकल्टी, पहला इंट्रैक्शन फैकल्टी के साथ होता है। तो फैकल्टी कैसी है कॉलेज में, कि तुम फैकल्टी से इंट्रैक्शन कर दोगे तो उनका नेचर कैसा है, फ्रेंडली टाइप के है कि नहीं है, और नॉलेज के टर्म्स में बोले कि जब भी क्वेश्चन पूछना होता है कॉलेज से, एक सीएससी वाला बता देना और एग्रीकल्चर का अपना बता देना आप सब लोग साथ में, कि कैसा है फैकल्टी, कैसे फैकल्टी की मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछते तो बता पाते हैं नहीं बता पाते या बाद में कहीं ताल ना दे उस टाइप का। ठीक है, तो फैकल्टी का ना बता दो। फैकल्टी यहाँ बहुत बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर कुछ हम लोग डाउट भी होता है तो उनको कॉल कर लिए या उनके केबिन में जाकर पूछ लिए तो वो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो फैकल्टी के नंबर भी अवेलेबल है? हाँ, फैकल्टी का वो नंबर, उनका मेल सारा अवेलेबल होता है, वो प्रोवाइड किया था हम लोग ERP पे। तो ये हमारा बीटेक डिपार्टमेंट का हो गया, CSC का स्पेशली। और एग्रीकल्चर, हमारे एग्रीकल्चर का फैकल्टी भी बहुत बढ़िया है, वो फ्रेंडली है, अगर कोई डॉट हो कैबिन में जा सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। हमारे फैकल्टीज बहुत ही सपोर्टिव है, मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो हमारे डाउट सॉल्व करते हैं, साथ में बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं सारे। और फ्यूचर के प्लान्स के लिए भी हमें सपोर्ट करते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके लिए, मीन्स हायर स्टडीज और एग्जाम वगैरह, फ्यूचर प्लानिंग का पूरा बताते हैं। और वो 15-20 स्टूडेंट्स पे एक एडवाइज़र होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं आगे के लिए। तो काउंसलर मतलब एग्रीकल्चर को भी दे रखा है काउंसलर की 15-20 स्टूडेंट पे, बीटेक में भी सेम काउंसलर है। सारे डिपार्टमेंट्स कैसे होते हैं? सारे डिपार्टमेंट मतलब एक काउंसलर मिला हुआ है जो 15-20 बच्चों के साथ में रहते हैं, राइट। और कोर्सेज की बात कर लेते हैं, फैकल्टी की तो हो गई, सपोर्टिव नेचर के हैं, मगर कोर्सेज का जैसे आप लोग जब एडमिशन हुआ होगा तो आपके दोस्त वगैरह हो गए दूसरे कॉलेज में, गए होंगे सेम कोर्स में, हो गए कुछ कुछ अलग में हो गए, तो अपना BSc का बता दो आप लोग और BTech का बता दो कि कोर्स कैसा है यहाँ का, मतलब सेम है स्ट्रक्चर है अलग है कुछ। जहाँ तक पता है कोर्स का, तो जो यहाँ से पढ़ रहे हैं हम लोग सभी का भी, वो मतलब जो हम 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं वो मतलब किसी और कॉलेज में वो बच्चा 4th ईयर में पढ़ेगा, हम लोग पहले ही उसी को कम्प्लीट कर ले रहे हैं, ऐसा मतलब जो नोटिस किया ना, ये ऐसा नोटिस हुआ है।
कि मतलब जो बच्चा पढ़ेगा फोर्थ ईयर में वो हम थर्ड ईयर में कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, ये मतलब हम लोग हाई मतलब उससे आगे रह रहे हैं बीटेक के मामले में, बीटेक के मामले में, बीएससी के मामले में। एग्रीकल्चर में अदर कॉलेज में भी सेम ही कोर्स चलता है, सिलेबस सेम, आईसीआर से सारा सिलेबस आता है और हम लोग सेम कॉलेज में सेम ही फॉलो होता है। एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं कि आगे पीछे कुछ होता। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ, मैंने वेबसाइट पे देखा था क्वांटम में ये लोग अलग से बीटेक का, क्योंकि बीटेक की मोस्टली वीडियोस बनाता हूँ, तो क्विक हिल, जेबिया और शायद एक और किसी कंपनी का मैंने देखा, एडोबी वगैरह, जो भी तीन चार कंपनी का इन्होंने दे रखा है, तो कुछ वो फ़ायदा देता है कि बच्चों को मतलब लैब्स वगैरह में कुछ कंपनी से आते हैं लोग बताने के लिए, या वो है कुछ ऐसे नाम? नहीं, वो कुछ दिन पहले ही क्विक हिल से आते हैं, वो क्विक हिल से हर एक सेमेस्टर वो एक बार आते हैं, वो ट्रेनिंग चलती है 2 महीने की, वो ट्रेनिंग बहुत फ़ायदेमंद होता है, वो हमें हैकिंग के लिए भी सिखाया जाता है वो चीज़, और वो चीज़ मतलब हम लोग मतलब आगे कैसे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करें आगे, मतलब कम्पिटिटिव कोडिंग के लिए वो सारा कुछ नॉलेज देते हैं वो, मतलब बहुत फ़ायदेमंद होता है ये चीज़। मतलब ये कंपनी से लोग आते हैं बेसिकली, नाम के लिए नहीं। तो रिसर्च बेस के मामले में कॉलेज कैसा है, रिसर्च की मतलब जो फैसिलिटीज़ है कॉलेज के अंदर कैसे प्रोवाइड करवाते हैं? पहले एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने रिसर्च किया था नेचुरल फार्मिंग पे, और उस पर मतलब हम लोग 15 दिन का ट्रेनिंग चला था, तो कॉलेज वाले कुछ मतलब प्रोवाइड करवाते हैं फैसिलिटी वगैरह की, रिसर्च बेस्ड जिसको करना होता है वो। जैसे हमारा एक साल का ट्रेनिंग भी होता है रावे और ईएलपी, तो ये कॉलेज ही प्रोवाइड कराता है, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये चीज़ सही है कॉलेज की। बाकी सारी यूनिवर्सिटी में कहीं केवीके से कहीं जाना होता है, लेकिन इस चीज़ से हमें फायदा है कि हम लोग यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग से मुझे याद है पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं, चीज़ के लिए नहीं लेते। नहीं नहीं नहीं, हमारा जो एकेडमिक जो है ना फी, उसमें फीस के अंदर पहले से इंक्लूड कर रखा है सब फीस वगैरह, उसी में हो जाता है। और रिसर्च बेस्ड बीटेक मतलब सिर्फ सीएससी की नहीं, बाकी दोस्तों के दूसरे ब्रांच में उन सब के भी रिसर्च या मतलब जस्ट बेस्ड ट्रेनिंग। तो कुछ दिन पहले हम लोग का टेक ट्रेनिंग हुआ था, स्मार्ट बेंड नाम की एक कंपनी आई थी बेंगलोर की, उसमें टॉप 30 स्टूडेंट को मतलब वो कॉलेज अपने तो बिल्कुल फ्री करवाई थी, तो उसका एक एंट्रेंस टेस्ट हुआ था और वो बिल्कुल फ्री था हम लोग के लिए। टॉप 30 के अलावा जो भी बच्चे थे उनका पेड था, ठीक है, बट वो हम लोग के लिए बहुत मतलब बहुत फायदेमंद था, जब उनका जस्ट अभी खत्म ही हुआ है। ठीक है, और अभी ये मेन बात कर ली, अब बात करते हैं कि कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है। पढ़ने के बारे में काफ़ी बात कर ली, एनवायरनमेंट बताओ कॉलेज की, एनवायरनमेंट कैसी है, मौसम कैसा है कॉलेज का, क्योंकि रुड़की में उत्तराखंड तो सबको पता है भूमि घूमने की जगह है काफ़ी ज़्यादा, तो कैसा रहता है वीकेंड्स वगैरह, लाइफ कैसी कॉलेज की? एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत काफ़ी अच्छा है, तो अभी तो कुछ ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो 2 दिन बाद से मतलब यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, एनवायरनमेंट अभी अच्छा हो चुका है। और बात करें फिर ठंड के टाइम में, ठंड के टाइम तो बहुत ठंड पड़ती है, कभी कभी तो 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर चल जाती है यहाँ की। और यहाँ का इन्वायरमेंट अब वीकेंड पे आप मतलब कहीं भी आप निकल सकते हैं घूमने के लिए, 2 दिन के लिए। बगल में हरिद्वार है, ऋषिकेश है, मसूरी है, ये सारे फेमस जगह हैं, आप आराम से यहाँ वीकेंड को निकल सकते हैं घूमने के लिए। और कॉलेज आप लोगों की सेम चीज़ है, कुछ एडिशनल ऐड करना? सेम है। और कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, कि कॉलेज के बच्चे जो होते हैं कैसे आते हैं कॉलेज के अंदर बच्चे, और पूरा मतलब जो वर्क लाइफ है कॉलेज का, कि हॉस्टल में कितना अलाउड होता है ये बता देना, कि कल हॉस्टल में कितना अलाउड होता है, ये सब टाइमिंग वगैरह, बाहर से कब तक आ सकते हैं, हॉस्टल में घूम सकते हैं नहीं, मतलब कॉलेज के अंदर कॉलेज प्रीमियस में घूम सकते हैं रात को नहीं? रात को हमारा है गर्ल्स का है, तो टाइम लिमिट है, रात में 9 बजे के बाद कैंपस में नहीं घूमना रहता है, अंदर चले जाना होता है। और अगर आप बाहर जाते हो तो सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक आप बाहर इधर उधर कर सकते हो, फिर आ जाना होता है कैंपस में, तो 6 बजे की एंट्री से। और साथ ही साथ अगर बाहर जाते हैं तो आपको ऐसे ही नहीं जाना होता, आउट पास पे साइन करा करके घर का परमिशन लेकर के ही जाना होता है, ऐसे नहीं। और बॉयज़ का टाइमिंग थोड़ा चेंज है, जैसे कि अगर 9 बजे से 4 बजे तक एकेडमी चलता है, उसके बाद हम लोग 10 बजे तक लास्ट रात में हम लोग इंटर कर सकते हैं, उससे पहले अगर उससे बाद अगर इंटर किया तो उससे फाइन लगता है, पेनल्टी लगता है, ऐसा रूल है हमारा हॉस्टल का। और कॉलेज के अंदर अल्कोहल वगैरह कुछ चलता है? नहीं ऐसा नहीं, मेन गेट में ये सारा चेकिंग होता है। ठीक है, और फेस्ट वगैरह की बात करें, फेस्ट वगैरह जो कॉलेज में होता है, साल में कितने फेस्ट होते हैं, और कोई आता है बाहर से, मतलब कैसा होता है पूरा फेस्ट का? हमारे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा फेस्ट है, अभी जस्ट धरोहर हुआ था जो कॉलेज का एनुअल फेस्ट है, बहुत बड़ा ग्रैंड फेस्ट होता है यहाँ पे। कुछ दिन पहले धरोहर कंप्लीट हुआ है, ये अप्रैल के महीने में होता है, और इससे पहले काव्यांजलि, ये भी कॉलेज का फेस्ट है। ये एक ईयर में 2 फेस्ट होता है, जैसे डीजे नाइट होता है जो हॉस्टलर के लिए होता है, और जो धरोहर जैसे बोल रहे जन्म जैसे धरोहर होता है उसमें जो स्कॉलर भी आते हैं हॉस्टलर भी आते हैं, उसमें जैसे कि जो भी गेम होता है और जो भी सेलिब्रिटी बाहर से आते हैं
उन्हीं के बीच में हमारा ये फेस्टिवल चलता है। मतलब कहने का मतलब है कि हॉस्टलों से ज़्यादा फायदा मिलेगा और डे स्कॉलर को कुछ मतलब लिमिटेशन मिलती है, हॉस्टलर के लिए थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया जाता है इस चीज़ को। वैसे भी हर कॉलेज में हॉस्टल वाले को, मतलब कॉलेज लाइफ तो तरीके से हॉस्टल लाइफ ही होती है हमारी जो मेन होती है। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कि बिल्डिंग्स वगैरह कॉलेज की कैसे, कैंपस एरिया कितना है अगर पता होगा तो, और मतलब कैसा बना रखा है कॉलेज में? कॉलेज का मतलब हमारा जो कॉलेज कैंपस है उसमें हॉस्टल भी आता है, एकेडमी भी आता है कॉलेज, तो उसमें वो 25 एकड़ में बना हुआ है और इसका एक ही मेन गेट है और कोई दूसरा गेट नहीं है जिससे आप पीछे से एंट्री कर सकते हैं। ये बिल्डिंग भी इसका बहुत बड़ा बड़ा है। और दूसरा कि हॉस्टल यहाँ बॉयज़ का हॉस्टल दो है, गर्ल्स का एक है और 5-6 फ्लोर का है एक हॉस्टल और एक गेस्ट हाउस है हमारे कैंपस। तो हॉस्टल के अंदर वाईफाई वगैरह की स्पीड कैसी है, जो मेनली बच्चों को होता है कि क्योंकि पूरे टाइम तो हॉस्टल में रहना है, तो वाईफाई की स्पीड कैसी है? वाईफाई की स्पीड सही है, बट क्या है कि मोबाइल का जो नेटवर्क है वो सही कभी कभी नहीं रहता है, कभी कभी रहता है कभी कभी नहीं रहता। और हॉस्टल का क्या है कि अंदर में सारा कुछ सही है, सिक्योरिटी भी सही है और हॉस्टल सा रहना चाहिए, रूम वगैरह सब कुछ बहुत सही है। तो मीन्स लैपटॉप में कनेक्ट होता है आराम से, लैपटॉप में गेम वगैरह खेल सकते हैं, फ़ोन में मुश्किल आती है? फ़ोन में वाईफाई नहीं मिलता है, बस लैप ही मिलता है। अच्छा, तो इन्होंने मतलब वो सिस्टम को सेट कर रखा होगा। ठीक है। और कॉलेज के मैस वगैरह कैसी है, कैंटीन कैसा है, मतलब खाना बताओ। मतलब मोस्टली तो हर मैस में मैंने सुना आज तक जिससे भी बात की मोस्टली लोग बुराई करते हैं, तो यहाँ पे तारीफ करने लायक कुछ मैस में है या यहाँ पे भी बुराई सुनने को मिलेगा? यहाँ पे मेस अच्छा है, बस यहाँ वेज मिलता है, नॉन वेज यहाँ मेस में बस एक अंडा मिलता है शुक्रवार को वो भी। अच्छा। और वेज में खाना एवरेज समझिए उसका, मेस को 8 रेटिंग कर सकते हैं, मेस एवरेज होता है यहाँ का खाना। मतलब ना ज़्यादा ऑयली होता है ना, आप तो घर की तरफ तो खाना मिलेगा नहीं मेस में, वो तो मिलने से नेड़ा, तो एवरेज खाना होता है। आप लोगों को भी सेम लगता है मैस का? सेम ही लगता है। मतलब वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन लोग जो है उनके लिए सही है, और मेरे जैसे लोगों के लिए बेकार है। ठीक है, बाहर जाके खाना पड़ेगा। ऑर्डर हो सकता है कैफे में आप खा सकते हो, अगर नॉन वेज वगैरह खाने हैं तो मतलब कैंटीन कैफे वगैरह इन सब में मिल जाता है, मैस में नहीं मिलता और बाहर से ऑर्डर हो जाता है। लेकिन मेस में कुछ कुछ दिन में थोड़ा खराब लगता है, जैसे डिनर में कुछ कभी कभी मतलब खाना ठीक सा नहीं बनाता है, उस दिन का मेन्यू खराब रहता है, उस दिन बच्चे लोग जाते नहीं, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं खा लेते हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखाते उस दिन। वो तो हर कॉलेज में होता है, वो तो हम लोग भी कॉलेज में तो फिर ऐसे होते हैं हर एक का। ठीक है, और स्पोर्ट्स के मामले में, स्पोर्ट्स हो गया या क्लब्स वगैरह, जिम इन सब मामले में कैसा कॉलेज? जिम यहाँ के बढ़िया, हॉस्टलर के लिए है सिर्फ, डे स्कॉलर नहीं आ सकता है, जिम के बाहर मतलब गार्ड वार्ड रहते हैं और ठीक ही है। जैसे हॉस्टल का जिम काफ़ी पुराना भी है तो उससे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए जिम में हमारे अंदाज। तो जिम जाते हो तुम कॉलेज में, दिख रहा है मुझे। और स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में कैसा? स्पोर्ट्स तो यहाँ का काफ़ी बेटर है, हमारे यहाँ मतलब आए दिन मतलब क्या नेशनल मेडल आती ही रहता है। अच्छा। नेशनल सिल्वर आती रहता है, ये भी हमारे यहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट, हरियाणा गोल्ड मेडलिस्ट मैं पावर लिफ्टिंग हूँ तो। और यहाँ का स्पोर्ट्स बेटर है मतलब, और काफ़ी कॉलेज मतलब जो यहाँ के लोकल कॉलेज है ना तो उन लोग से अच्छा हम लोग पास फील्ड है, और यहाँ का स्पोर्ट्स काफ़ी बेटर है। यहाँ सारी गेम होती है, स्पोर्ट्स की फेस्ट होती रहते हैं, हॉस्टलर के लिए QHPL होती रहती है। अच्छा। तो उसमें बस हॉस्टलर खेल सकते हैं, उसमें हाउस डिवाइड होता है, हाउस वाइज मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, सारे मैच होते हैं हाउस वाइज। और मतलब कहने का मतलब है अगर कॉलेज में जो भी मोस्टली फैसिलिटी मिलती है हॉस्टल वाले बच्चों को ही ज़्यादा मिलती है, तो हो सके तो अगर कोई एडमिशन ले रहा है कॉलेज के अंदर तो हॉस्टल प्रेफर करे, तो उसकी लाइफ मतलब कॉलेज लाइफ ज़्यादा अच्छी जी सकते हैं। इंडोर आउटडोर दोनों गेम होता है, जैसे इंडोर गेम में कोई ऐसा नहीं गेम है कि नहीं करवाता, क्वांटम सारा करवाता, बस ये है कि ये थोड़ा सा मतलब नोटिस नहीं कर पाता है कॉलेज की, हाँ ये गेम है हो रहा है, कभी कभी नहीं भी होता है, तो इसमें बच्चा इंटरेस्ट अपना हटा लेते हैं, ये तो बीच में ख़त्म हो जाता है, इसका कोई मतलब कोई पर्टिकुलर मेंटर टाइप के नहीं मिल पाता है। एक हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, वही सारा देख रहे हैं स्पोर्ट्स जितना स्पोर्ट्स। और कॉलेज की क्लब्स एंड सोसाइटी कैसे, कॉलेज के अंदर जो क्लब्स और सोसाइटी है वो कैसे? ऐसे तो बहुत सारे क्लब्स हैं, जैसे वो क्रिएटिव आर्ट क्लब हो गया, म्यूजिक क्लब हो गया, और मतलब सारे क्लब्स अच्छे से ही काम करती है। ये सब बात कर लिए, फीस के बारे में बात करते हैं, फिर प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर मेन पॉइंट जो प्रोस एंड कॉन्स का वो डिस्कस करेंगे। तो कॉलेज की फीस, जितनी कॉलेज की फीस है अपने अपने डिपार्टमेंट की, बीटेक और एग्रीकल्चर की, तो उस हिसाब से क्या लगता है कि फैसिलिटी जो मिल रही है हमें इस फीस पे या कॉलेज जो प्रोवाइड कर रहा है वो मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के इक्वल है या नहीं है? यहाँ की जो फी होती है, फी एवरेज फी है, बाकी जाए जितने सारे कॉलेज हैं उनसे तो कम ही फी मुझे लगता है। और फी में जो मिल रहा है हम लोग को, यहाँ काफ़ी हम लोग की लैब है, 3-4 लैब है हम लोग की CSE की,
लैब भी अच्छी हैं, मतलब यहाँ कुछ मतलब लैब को सुधारा जा सकता है क्योंकि लैब में कुछ सिस्टम खराब पड़ी होती है, उनको रिपेयर नहीं किया जाता है, वेट किया जाता है मतलब जब वो पूरी खराब हो जाए उसके बाद चेंज किया जाता है। चेंज करने का, हाँ जी, यहाँ रिपेयरिंग का बहुत कमी होता है, सिस्टम नहीं है यहाँ पे, मतलब कॉलेज फालतू में पैसा बर्बाद कर रहे हैं रिपेयर ना करवा के, रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं लोग। ठीक है, और एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से? एग्रीकल्चर का फीस बढ़िया है और हम तो हॉस्टलर हैं तो हॉस्टलर का फीस तो हॉस्टलर और एकेडमी के ऐड करके आता है। बाकी यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में हमारे कॉलेज का जो फी है वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। अच्छा, फीस कम है, मतलब हॉस्टल की फीस कैसे? हॉस्टल की भी सही है, हॉस्टल की 41,000 है नॉन एसी, और एसी 52,000 पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर की फीस है, और मेस वगैरह का अलग से चार्ज है? मेस जिम जो मेस इंक्लूडेड है, इसका डिमेरिट है कि पर ईयर इंक्रीज हो जाता है, जैसे इसका 4-5,000 ज्यादा लगता है, हमारा कम लगता है, ऐसा थोड़ा ये डिमेरिट है इस चीज का। एक फीस होना चाहिए ना एग्जैक्ट, यहाँ 4 साल हो चाहे 2। कहने का मतलब है कॉलेज की फीस इंक्रीज करते हैं मगर हॉस्टल वगैरह तो सेम रहनी चाहिए। हाँ, सेम रहनी, पॉइंट ही है, पॉइंट ही है। ठीक है, और प्लेसमेंट इंटर्नशिप, क्योंकि अभी फाइनल ईयर इसमें मतलब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आ चुके हो, तो इंटर्नशिप कैसे मिलती है, प्लेसमेंट जो सीनियर गए हो के प्लेसमेंट उनकी कैसे रही है प्लेसमेंट, पहले बीटेक का जानते फिर एग्रीकल्चर का जानते? पहले बात करते हैं इंटर्नशिप के लिए। इंटर्नशिप के लिए तो हमारे बीटेक के लिए तो बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, बायजूस, ओला, बहुत सारी कंपनी हैं, डिकैथलॉन, जस्ट हम लोग के स्पोर्ट्स की कंपनी है वो भी आई थी इंटर्नशिप के लिए और लेके भी गई हैं 10-10 लाख का, मतलब इंटर्नशिप के टाइम पैकेज देकर ले गई हैं 10 लाख का। हाँ जी, इंटर्नशिप के टाइम। यस सर। और फिर बात करते हैं प्लेसमेंट के लिए, बीटेक का तो प्लेसमेंट काफ़ी बेटर है, एवरेज 4-5 सबका हो जाता है, 100% प्लेसमेंट हो जाती है बीटेक वालों की। ठीक है जी। और अभी मतलब कॉलेज प्लेसमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, अभी काफ़ी ज़्यादा कंपनी को मतलब इन्वाइट कर रही हैं, अब जस्ट नाइक, ओला, बायजूस, TCS, HP, OLX, ये सब टेक फील्ड के लिए आ रहे हैं। हाँ, टेक्निकल IT डिपार्टमेंट के लिए बहुत सारी कंपनियाँ, मतलब ऐसा तो नहीं कि अमेजन आके मतलब कस्टमर सर्विस में डाल दे ऐसा कुछ? नहीं, अमेजन आ रही है, बस वो IT डिपार्टमेंट के लिए आ रही है। फिर ये चीज़ ठीक है कि मतलब क्योंकि काफ़ी कॉलेज में होता है ना कि कंपनी आती है फिर दूसरे डिपार्टमेंट डाल देती है, अगर IT में आ रही है तो ठीक है, IT के लिए आ रही है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कंपनी। और एग्रीकल्चर की कुछ कंपनीज वगैरह आ रही है यहाँ पर? एग्रीकल्चर का प्लेसमेंट थोड़ा सा सुधार होना चाहिए इसमें, ऐसे कि मतलब इसमें क्या बोलते हैं उसको, सिंसियरनेस दिखाना चाहिए, प्लेसमेंट बहुत कमी होता है एग्रीकल्चर में। मतलब बीटेक पे ज़्यादा फोकस कर लिया है, बाकी मतलब ये एग्रीकल्चर का है कि बीएससी का स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हायर स्टडीज करने चले जाते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से मतलब कैंपस प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे जाते हैं कि प्लेसमेंट चाहिए वो भी थोड़ा सा नहीं हो पाता है उनका। मीन्स काइंड ऑफ कह सकते हैं कि मेजर चंग हमारा बीएससी एग्रीकल्चर का हायर स्टडीज के लिए जा रहा है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि बच्चे जा ही रहे वहाँ पे तो उनको वहीं में भेज दो, कंपनी से थोड़े कमाते हैं ऐसा कुछ, मतलब बीएससी में अगर प्लेसमेंट से में बोले तो वो हो सकता है, जैसे कि हमारे बॉयज में बहुत सालों का एजी नेक्स्ट ईयर इंडिया गेट में हुआ है, तो मतलब पहले बताना चाहिए कॉलेज में पहले, उससे फिर कंपनीज तो ये आती है, जैसे धनुका एग्रीटेक लिमिटेड हो गई, फिर इंडिया गेट, बासमती राइस हो गई, 5-6 कंपनीज आती है बट बच्चे जाते नहीं है, और मतलब इस वजह से थोड़ा इशू लगेगा। और हमारी फीस प्लेसमेंट की बात हो गई हमारी, अब मेन बात करते हैं प्रोस एंड कॉन्स का। ठीक है, तो अपने हिसाब से जो आपको पॉजिटिव पॉइंट पहले बात करेंगे फिर नेगेटिव पॉइंट की बात करेंगे, क्या लगता है? तो रैंडमली जो भी आपको लगे पॉजिटिव पॉइंट, कोई भी 1 या 2 पॉइंट बोल सकते हो सब लोग, जो सही लगा। मेरा ये कहना है कि कॉलेज में एक हेल्प डेस्क या कंप्लेंट डेस्क होना चाहिए। ये अच्छा, ये कॉन्स के अंदर आ गया। ठीक है, और कोई कॉन्स? पहले कॉन्स की बात कर लेते फिर उसके बाद प्रॉस की बात कर लेंगे, तो कौन सी पहले बात कर लेते हैं, तो एक हेल्प डेस्क होना चाहिए जिससे बच्चों को मतलब जो भी शिकायत हो अपना टाइमली बता सके और उसको मतलब जल्द से जल्द सोल्यूशन मिल जाए, उसको कोई परेशानी ना हो बस। अच्छा ठीक है, और कोई? सैटरडे को क्लासेस ऑफ होनी चाहिए। अच्छा, सैटरडे को भी क्लासेस होती है यहाँ पे? सैटरडे को होती है तो स्कूल वाली फीलिंग आती है, सो सैटरडे को क्लासेस ऑफ होनी चाहिए। और वैसे मैंने सुना है कि यूनिफॉर्म भी होती है कुछ? यहाँ यूनिफॉर्म भी है और यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है, यूनिफॉर्म के साथ आईडी कार्ड भी कंपलसरी है, तो मतलब स्कूल पूरी फीलिंग आती है कि स्कूल में हम लोग कंफर्टेबल हैं यूनिफॉर्म में। तो ये यूनिफॉर्म वाला एक्सपेक्ट मतलब कॉलेज चेंज करते ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पूरी स्कूल की फीलिंग आ रही है, संडे को सैटरडे को क्लासेस हो रही है, संडे ऑफ होता है बस। नहीं, यूनिफॉर्म का प्रोस भी और कॉन्स भी है। प्रोस ये है कि मतलब वो इंटरव्यू में अगर कहीं कंपनी में जा रहे हैं लोग तो वहाँ तो यूनिफॉर्म पहनना ही होगा, तो ये एक तरह से वो कॉलेज सिखा भी रही है मुझे कि यूनिफॉर्म पहनिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनिए,
वो एक तरह से फायदेमंद भी है और वो मतलब कभी हम लोग बुरा भी लगता है कि मतलब बच्चा ऐसे स्कूल जैसे जा रहे हैं बस यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं, बुरा ज़्यादा लगता होगा अच्छा कम लगता होगा? नहीं, कभी क्लासेज वगैरह में अच्छी भी लगती है क्योंकि आगे जाके अगर अभी से हैबिट नहीं होगा फॉर्मल सूट पहनने का तो बाद में बहुत दिक्कत होने वाला हम लोग को, क्योंकि हम लोग जाने वाले आईटी डिपार्टमेंट में और वहाँ यूनिफॉर्म का तो बहुत फायदेमंद होता है। नहीं मतलब काइंड ऑफ अब इतना नहीं होता, पहले होता था मगर अब आजकल चेंज हो गया, कल्चर स्टार्टअप में तो मेनली मतलब चेंज हो गया है, बट उस तरीके से मतलब वो एक तरह से सही भी है गलत भी है। और कोई कौन सा है आपकी तरफ से कोई नेगेटिव पॉइंट या हॉस्टल में एंट्री 9:30 तक होना चाहिए? अच्छा, अभी कितने बजे तक होता है? 9:00। अच्छा, मतलब गर्ल्स का ऐसा है कि बॉयज का भी है? नहीं, बॉयज का तो 10:00, तो मतलब टाइमिंग हल्की सी इंक्रीज होनी चाहिए। और यहाँ पे मतलब एक और कौन सा है कि मतलब यहाँ हम लोग को मेन गेट पे कहीं बाहर जाना है तो पहले आउट पास डालिए पहले ERP पे, फिर वार्डन से फ्री होंगे तो वो अप्रूव करेंगे तो फिर अप्रूव नहीं करेंगे, मगर तो ये बाहर जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है मेरे हिसाब से। मतलब कौन मतलब आप लोगों के हिसाब से, आपके पेरेंट्स के हिसाब से तो क्रॉस ही होगा कि सिक्योरिटी रीजन से, ठीक है सिक्योरिटी तो बस अब इतने ही बच्चे तो नहीं है कि मतलब हम लोग बाहर जाने के लिए हम लोग बाहर ये चीज इरिटेट करता ना कभी 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 सामने भी जाना होता है रोड उस साइड तो ये लोग जाने नहीं देते हैं। बच्चे कॉलेज को जाके बोलो कि छोटी बच्ची है तुम, छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता। नहीं अब ये कभी कभी मतलब अच्छा भी लगता है कि हाँ हम लोग को सिक्योरिटी दिया जा रहा है, और कभी बुरा लगता है मतलब कोई इमरजेंसी अगर काम हो गया, कोई मतलब इंडियन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं कुछ एक्सपायर करवाना है प्रोजेक्ट के फाइल को, तो आप वार्डन को डालिए फिर अप्रूव होगा तब बाहर जाने को मिलेगा रजिस्टर एंट्री करने के बाद। लेकिन हमारे वार्डन बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे वार्डन। ये पहली बार सुना मैंने उसे वार्डन के बारे में, वार्डन बहुत सपोर्टिव है। और कॉलेज के यहाँ प्रॉस की बात करी लेते हैं, प्रॉस की बात हो रही तो और कुछ मतलब कुछ अच्छा लगता हो बाकी कॉलेज के अंदर? प्रॉस यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट ये कि बहुत स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है ये नहीं है, और सब कॉलेज में होता है बहुत स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होता है, ये करना तो करना ही है ये नहीं है, यहाँ बहुत फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट है। अगर आप फी देने में अगर अभी अफोर्डेबल नहीं है तो आप लोग को टाइम दिया जाएगा 1 महीने का 15 दिन का, आप उसके बाद फी पे कर सकते हैं। अच्छा, फीस वगैरह में मतलब वो है वो फ्लेक्सिबल है, फाइन वगैरह नहीं मारते? नहीं, फाइन लगता है अगर आप कुछ बदमाशी करते हैं, कुछ सामान ब्रेक करते हैं कॉलेज के सिक्योरिटी का, तो वो उस पर फाइन होता है, वो बहुत स्ट्रिक्टली फाइन होता है। वो तो चलो चलता है वो, मगर फीस वगैरह पे इतना फाइन नहीं लगता नहीं। और कोई प्रोस कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही हेल्प करते हैं, ये चीज़ चाहिए यहाँ की। यहाँ पे जो भी अगर आप पास आउट स्टूडेंट है, जैसे हम लोग पास आउट स्टूडेंट है, तो अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट मंगाना है या हम घर में रहते हैं तो यहाँ पे एक ऑनलाइन लिंक रहती है जिसपे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो ये चीज़ सही है। मतलब वो चीज़ें प्रोवाइड करवा देता है, वो ऑनलाइन प्रोवाइड करवा। ठीक है, तो अब ओवरऑल हमने प्रोसेस की बात कर ली। अब कोई बच्चा देख रहा है वीडियो, बीटेक का देख रहा है, बीएससी का देख रहा है, एग्रीकल्चर कोई सी भी डिपार्टमेंट का, ठीक है अभी हम भूल जाते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट का है। आप ये बताओ कि फर्स्ट ईयर का कोई बच्चा आ रहा है कॉलेज के अंदर, तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे? अपने डिपार्टमेंट का भी दे सकते हैं, ओवरऑल कुछ भी मतलब एडवाइस का देना चाहोगे कि आने से पहले ये करके आओ या ये चीज़ें में ध्यान रखना, वो एडवाइस दे सकते हो आप लोग? जो आने वाले बच्चे हैं उनको तो ये एडवाइस देंगे कि मतलब कॉलेज एवरेज है, अगर बीटेक के लिए पा रहे हैं तो बीटेक के लिए तो काफ़ी बेटर है, आप आँख बंद करके आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन आप आराम से बस पढ़ाई करिए, उसका आपको 10 लाख का भी सैलरी लग सकता है, 25 लाख का भी सैलरी लग सकता है, बस आपके आप पे डिपेंड करके आप कितना पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपके स्टडी पे डिपेंड करेगा और सब कुछ, मतलब कंपनी वगैरह आती है बस? हाँ, कंपनी आती हैं, कॉलेज की तरफ से सारा एफर्ट है, बस आपको थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाना है। ठीक है, और आप लोग क्या एडवाइस देना चाहोगे बच्चों को? अगर कोई स्टूडेंट आता है बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर करने के लिए तो कॉलेज बढ़िया है, बट और भी कॉलेज देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, उसके बाद तुम्हारा पैसा तुम डिसाइड करोगे, बाद में ये नहीं कंप्लेन करो कि कॉलेज ख़राब है ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते हो। तुम खुद आए इस कॉलेज में, तुम्हें कॉलेज उठाकर नहीं लाया, तो आओ यहाँ पढ़ो अच्छे से, और जितना भी कैसे बोलते हैं रिसर्च नहीं नहीं जितना भी एक्स्ट्रा करिकुलम होता है रिसर्च होता है उसमें पार्टिसिपेट करो, सर्टिफिकेट करो, कलेक्ट करो, उसको आगे चल के तुम्हारे CV में ऐड होगा, उससे तुम्हारा और इम्प्रूवमेंट होगा। यहाँ बहुत अच्छा है, अगर कोई स्टूडेंट आते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार वो एक ICR का गाइडलाइंस देख ले कि हाँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट है अगर किसी को GRF वगैरह की तैयारी करनी है तो वो किसी ICR एग्रीगेटेड कॉलेज में ही जाए। तो एक चीज़ मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा जिन्होंने बोला था कि ये चीज़ यार तुम लोग मैंने देखा काफ़ी बच्चे होते हैं कि पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो कॉलेज देखेगा या दोस्तों से पूछने लग जाते हैं। कॉलेज अब चूज़ करते हो ना, कोई भी कॉलेज हो ठीक है, एक बार खुद से रिसर्च किया करो और किसी और को ब्लेम मत दिया करो कि यार मैं इस कॉलेज में आके फंस गया। कोई भी कॉलेज होता है जनरली, मैंने देखा हर कॉलेज में बच्चा होता है, हम भी कहते हैं IIIT में, तो हम भी कहते हैं D2 चले जाते हैं, ये सब
तो लगता है, मगर रिसर्च करके जाओ, कहीं पे भी जाना होता है पहले रिसर्च कर लिया करो प्रॉपर, उसके बाद खुद से डिसाइड करो। ये नहीं कि मेरे पेरेंट्स ने बोला, मेरे दोस्तों ने बोला, मैं फंस गया यहाँ पे। एक रिसर्च कर लो, क्योंकि एट द एंड ना 4 साल तुम्हारे, 3-4 साल लगने वाले कॉलेज के अंदर, तो उससे तुम्हारा पूरा फ्यूचर डिसाइड होगा। तो उसको खुद से रिसर्च किया करो। और काफ़ी अच्छी रही वीडियो, थैंक यू एवरीवन वीडियो के लिए। और मैं इनके चैनल का लिंक भी दे दूंगा, आप चैनल जाकर देख सकते हो। बाकी जो भी क्वेरी होगी पूछ सकते हो इनके चैनल पे जाके, या मैसेज वगैरह कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो कोई भी डाउट्स होगा इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो सब लोग, ठीक है। तो थैंक यू आप लोग आने के लिए वीडियो को, और सब लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल द बेस्ट।